नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आपकी आवाज। आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संविदा कर्मी का वेतन रोकने पर हाईकोर्ट सख्त, प्रमुख सचिव को लगाई फटकार, सैलरी देने का दिया आदेश। याचिकाकर्ता स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत था, लेकिन पिछले 6 महीनों से उनकी सैलरी नहीं दी गई, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर वेतन की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी ने पूरे शासन को पानी पिला दिया है। इस कर्मचारी को पिछले 6 महीनों से सैलरी नहीं मिलने के बाद उसने शासन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास लीना जौहरी को कड़ी फटकार लगाई और 11 नवंबर से पहले उनकी सैलरी जारी करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव के हलफनामे को खारिज करते हुए कहा, आप अपने दायित्व का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर पा रही हैं। दरअसल बस्ती में रहने वाले सुधीर कुमार यादव की स्वास्थ्य विभाग में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत संविदा पर नियुक्ति की गई थी। तत्कालीन मुख्य सचिव ने दिनांक 8 जून 2023 को हब में प्रावधानों पदों के सापेक्ष ह्यूमन लिटरेसी स्पेशलिस्ट के पद पर समायोजन किया गया। 2018 से जून 2023 तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार मानदेय दिया गया, लेकिन समायोजन के बाद जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक उपस्थिति के आधार पर महिला कल्याण विभाग ने वेतन का भुगतान किया। याचिकाकर्ता की सैलरी रोकी। अप्रैल 2024 से बिना किसी कारण सुधीर यादव की सैलरी रोक दी गई, जिससे व्यथित होकर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। 29 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 3 सप्ताह के भीतर वेतन भुगतान करने का निर्देश दिए और कहा कि अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता तो DN जिला कार्यक्रम अधिकारी CMO बस्ती व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट के आदेश पर भी उनका वेतन नहीं दिया गया। शासन की ओर से कोर्ट में हलफनामा दिया गया, जिस पर 26 सितंबर 2024 को फिर सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस नाखुशी जताते हुए हलफनामे को नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने महिला विकास विभाग को 4 अक्टूबर से पहले वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिए और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वेतन की रिकवरी के लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन फिर भी याचिका वेतन नहीं मिला। कोर्ट ने लगाई विभाग को कड़ी फटकार, जिसके बाद 24 अक्टूबर को कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और इस बार जस्टिस JJ मुनीर ने शासन के रवैये पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को कहा कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रही हैं, इसलिए कोई अन्य प्रमुख सचिव इस पूरे प्रकरण में हलफनामा लेकर अगली तारीख पर आए और सरकार का पक्ष रखे। जिस पर प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने हलफनामा देकर कहा कि याची की नियुक्ति अस्थायी थी और 31 मार्च 2019 के बाद नियुक्ति बढ़ाई नहीं गई है, इसलिए वेतन नहीं दिया जा सकता, जिसकी विरोध करते हुए याची ने कहा कि इस संबंध में ना उन्हें कोई सूचना दी गई और ना ही संबंधित आदेश पारित किया गया। याची लगातार सेवा दे रहे हैं, जिसकी उपस्थिति को मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती प्रमाणित करके सितंबर माह तक के वेतन भुगतान के लिए शासन को लेटर भी भेज चुके हैं, जिसके बाद कोर्ट ने दूसरे प्रमुख सचिव से इस मामले में हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा है कि सरकार बताए कि कर्मचारी के वेतन के भुगतान से संबंधित क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज आपकी आवाज़।